अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय चैनल, इसमें माय नेम है, इसमें माय। ओके, नो आर्ग्यूमेंट्स। तो आज जो इस चीज़ की हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है गर्ल्स फेवरेट, स्पेशली माय मॉम्स फेवरेट एंड एवरी फीमेल्स फेवरेट। तो आज हम आपको दिखाने वाले अपनी मामा की मेकअप कलेक्शन। तो देखिए, इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी डिफिकल्टीज पेश आई हैं, यानी हमने हालिनूर वीडियो बन रही है इस वीडियो को हमने ये थर्ड टाइम शूट करे हैं। पहली दफ़ा बनाई वो हमसे कोई मेकअप इतना अच्छा सेट नहीं हुआ, वो नहीं बनी। सेकंड टाइम बनाई उसमें भी ज़्यादा मतलब ठीक थे, मगर इतना ज़्यादा मेकअप सही तरीके से सेट नहीं हुआ। मगर अब थर्ड टाइम बना रही हैं और ये मेकअप भी हाफ है, बाकी का जो मेकअप है मामा आपको दिखाएंगे पार्ट टू में। पार्ट टू में ये हाल ने खुद डिसाइड कर लिया, तो हम आपको पार्ट टू दिखाएंगे बाकी मेकअप का। तो ये भी हाफ मेकअप है, देखें ये भी कितना ज़्यादा लग रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है ये आई शेड कॉर्नर, देखें इसमें कितनी सारी आई शेड्स और पैलेट्स हैं, स्मॉल किट्स और बड़े पैलेट्स। तो सबसे पहले मैं हाले को दूंगी कि ये वाली किट दिखाई, क्योंकि बहुत स्पेशल है। अब देखिए इसमें कौन कौन से कलर हैं बताओ। ओके ओके गाइस, मैं देख लिया। ग्रे कलर, नहीं इना हॉलीवुड। ओके ओके, अब मुझे दिखाने का बहुत सारे डिटेल हो गए। यहाँ हाले ने बहुत सारी डिटेल में दादी आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं स्किट शुरू करती हूँ। ये देखें, ये है पैलेट, दिस इज फ्रॉम अरोमास। तो इसकी ओके हाले, ये देखें, ये इसे कहते हैं ब्रांड। ये देखें इसमें कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं, सारे इसमें ग्लिटर शेड्स भी हैं और मैट शेड्स भी। लाओ हाले, हाले गिव मी इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो अब नेक्स्ट किट मैं दिखाती हूँ, इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो दिस किट इज फ्रॉम हुदा ब्यूटी। हुदा ब्यूटी को जो ब्रांड है उसको कौन नहीं जानता। ये देखिए इसमें कितने प्यारे प्यारे शेड्स हैं। सब नेक्स्ट किट की तरफ चलते हैं। दिस किट इज़ फ्रॉम ओडबो लवली। सो इसकी पैकेजिंग और ये जो वेल बनी है ये बहुत क्यूट है, और इसमें मेरे ख्याल से ऑरेंज कलर्स। यस, ये देखिए इसमें भी बहुत प्यारे कलर्स हैं, ये वाले बहुत प्यारे हैं। आपको मैं आपको निकाल से देती हूँ। हाले नो गाइज, ये मेरी फेवरेट किट है। दिस किट इज़ फ्रॉम रूलेक्स। इसके फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, और आपको समझ आ गई होगी मुझे क्यों पसंद है। इसमें जो थ्री जेल टाइप शेड्स हैं ये मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे भी दिखा दें। ओके, सो अब नेक्स्ट किट पर चलते हैं। ये वाले जो किट है इसमें कंटूरिंग के लिए, और इसमें थ्री शाइनर्स हैं, और ये बाकी कंटूरिंग के लिए, जिसकी नोज हेल्दी हेल्दी मोटी मोटी सी है वो इसको यूज़ कर सकता है। अब ये हुदा ब्यूटी की हैं, ओरिजिनल हुदा ब्यूटी की ये स्मॉल किट्स हैं। जिसको ऑरेंज मेकअप पसंद है वो ये यूज़ करे, जिसको पिंक मेकअप पसंद है वो ये वाली यूज़ करे, और आम लोगों के पास ज़्यादातर ये ग्रीन वाली जो है, ग्रीन शेड्स नहीं होते हैं, तो इसमें सारे ग्रीन ब्लू ग्रीन के टोन में जो हैं वो शेड्स आते हैं। ये देखें, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये देखें, ये वाली जो किट है इसमें सारे मल्टी शेड्स हैं, जिसको रेनबो मेकअप पसंद है वो कर सकता है, और ये वाली किट में सारे ब्राउन के शेड्स आते हैं। मैं हाले की तरह बोल रही हूँ। तो अब जो किट्स बाकी बचे, कैजुअल मेरी मामा प्रिंसिपल हैं जैसे कि आप जानते हैं, तो कैजुअल मेकअप करने के लिए बाकी सारी किट्स हैं। तो ये देखिए इसमें सारे पर्पल के शेड्स हैं, प्यारे हैं ना, जिसको पर्पल मेकअप पसंद है वो कर लीजिए। और ये वाली कैजुअल मेकअप करने के लिए है, और ये भी अभी हम न्यू लाए हैं, इसमें भी कैजुअल मेकअप करने के लिए शेड्स हैं सारे, जो भी आपके सूट हैं आप करें। और ये वाली फिर से, ये मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसका डिज़ाइन की वजह से, इसमें ये फ्रोजी कलर बहुत प्यारा है। तो हाँ, जिसके डार्क सर्कल्स हैं वो ये कंसीलर
यूज़ करें, इसमें भी शेड्स आते हैं आपके फेस के जो है कलर के हिसाब से। अब मैं आपको टू टू करके दिखाती हूँ क्योंकि बहुत स्मॉल स्मॉल है। ये किट है जो हाले की है और ये भी, इसमें सारे ऑरेंज के। आप लोगों से मैं कमेंट में पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को ऑरेंज मेकअप पसंद है मेरी तरह के पिंक मेकअप। हाँ ये हाले आपने किया ना। ये दोनों किट्स, ये स्मोकी आईज मेकअप करने के लिए, जैसे मेरी मम्मा को स्मोकी आईज मेकअप बहुत पसंद है वो करती हैं। हाले अब आप अपने ग्लिटर कॉर्नर की तरफ गाइस को लेके चले। दिस इज माय ग्लिटर क्लोनर। क्लोनर ये है ग्लिटर जो आईज में लगाते हैं। दिस वन ग्रीन जो मैं हमने लगा लगा के खत्म नहीं करती। दिस वन आई डोंट नो, दिस वन सिल्वर, दिस वन सन सन सा कलर है ऑरेंज एंड ब्राउन। ओके नेक्स्ट हाले नेक्स्ट किट पिंक कलर क्या एंड द फेवरेट किट ये मेरी है। ओके यस ऑफ कोर्स। ओके दिस वन माय फेवरेट, दिस वन माय मोस्ट 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 फेवरेट। दिस वन इज व्हाइट, दिस वन इज ग्रीन, इसका मतलब ये हाल है कि आपको सारे कलर्स पसंद। सो गाइस ये है, पता नहीं किस ब्रांड की है, ओपन। वाओ दिस वन इज माय मोस्ट मोस्ट सारे माय मोस्ट 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 फेवरेट। चीजों को यूज करने के लिए ब्रांड क्या होता है, हर चीज जो होती है ना वो ब्रांडेड होती है, ब्रांडेड में एक नाम होता है। लेकिन चीजें जो होती हैं वो बहुत पॉपुलर हो जाती हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं, तो हमें हमेशा चीज को यूज करते हुए स्पेशली वो प्रोडक्ट्स जो हमें फेस पे यूज करनी है ना वो अच्छी क्वालिटी की खरीदनी चाहिए। जरूरी नहीं कि वो पॉपुलर हो, लेकिन बेसिकली जो अच्छी होती है वो पॉपुलर हो जाती है। नेक्स्ट आले नोट, दिस वन इज ग्लिटर्स जो हम आर्ट्स में यूज करते हैं। अच्छा आर्ट में यूज करते हैं, ये आईज पे यूज करते हैं। नो ये होते हैं दूसरे वाले ग्लिटर्स जो आंख में चले जाते हैं। ठीक हो गया। Finish? And this one too. ये हम मुझे gift में मिले थे। Yes, of course. Okay, हाले अब मैं दिखा दूँ अपना। ये भी मैं माइक। ये ले आऊँगा माइक। तो guys हमने माइक ले लिया है। पता नहीं क्यों मुझे इतनी खुशी हो रही है, हमने माइक ले लिया जिसके आप नोट कर रही होंगी कि हमारी जो आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो अब चलती हूँ मैं अपने बेस कॉर्नर की तरफ पे। तो सबसे पहले ये आती है लिक्विड बेस। आजकल मेरी मामा मिस रोज की ये लिक्विड बेस यूज कर रही है जिससे उनका फेस बहुत ज्यादा, इसमें दो शेड्स हैं देख सकते हैं आप, ये ज्यादा व्हाइट है और ये थोड़ा सा ब्राउनिश टोन है। तो बेस से पहले हम क्या लगाते हैं हाले, प्राइमर। ये हुदा ब्यूटी का प्राइमर है और ये जो लिक्विड में है, लिक्विड में है। और ये है दोनों बीबी क्रीम, तो ये है अमोरा की बीबी क्रीम और ये है स्वीट सुपर मेकअप की बीबी क्रीम। ये दोनों बीबी क्रीम है बीबी और ये सारी मतलब क्रीम फॉर्म में बेस है। नो हाले दिस इज माय कॉर्नर। ये भी क्रीम फॉर्म में है। नेक 7 नो। और ये है बीबी बी ब्यूटी क्रीम, इसमें ये भी क्रीम है। उसके बाद ये बहुत, ये जो बेस है ना ये बहुत ही फेमस ब्रांड की है, दिस इज फ्रॉम यार्डले। ये बहुत ही फेमस ब्रांड है और ये बेस भी यार्डले की है। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट बेस है ये है क्रिस्टाइन की तरफ से और क्रिस्टाइन भी बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है। उसके बाद मेरी मामा पाउडर बेस में जो है ज़्यादातर यूज़ करती हैं अमेलिया का पैनकेक। ये सारा चले तो उसके बाद जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बेस आती है उसके, वो मेरी मामा यूज़ करती हैं। ये इंडियन बेस है, बीबी इंडियन फोकस जो है, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होती है और ये इंडिया की है। और उसके बाद एक और पाउडर फॉर्म में बेस आती है फाउंडेशन पाउडर वाटर प्रूफ है ये बिल्कुल। और इसका हाले ने स्टिकर उतार दिया है, ये भी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। ओके तो बेस कॉर्नर मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम चलते हैं ब्लश ऑन कॉर्नर की तरफ से। नो तो चलते हैं ब्लश ऑन की तरफ से। तो ये देखें ये बिल्कुल मैट शेड्स हैं, ये देखें इसमें बहुत प्यारे शेड्स हैं और आपको पता है ऑरेंज में पसंद है तो ये ऑरेंज वाला मेरा फेवरेट है। उसके बाद ये आता है आइसक्रीम ब्लश ऑन, मैंने नाम रखा है। नेक्स्ट ये आता है, ये मेरी मामा के पास दो हैं शेड्स इसमें, पिंक और पीच। पीच हम बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि पीच सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और हाँ ये जो ब्लश ऑन है ये मुझे बहुत पसंद है इसकी ये शेप और इसके कलर की वजह से, इसका कलर बहुत प्यारा है। उसके बाद मिस रोज के ये टू ब्लश ऑन आ जाते हैं जो ऑरेंज और पिंक शेड में है, शाइन वाले हैं। और नेक्स्ट अब शाइनर कॉर्नर की तरफ चलते हैं, इसमें सारे शाइनर आ जाते हैं। तो ये देखें ये शाइन डायमंड की तरफ से 5 शाइनर्स हैं, इसमें सारे कलर्स हैं जो किसी भी मतलब सूट के साथ सूट करेंगे, सूट के साथ सूट करेंगे। इसमें भी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है शाइनर, तो मैं ओपन करेंगे वरना मुझसे गिर जाएगा। और ये भी है एक शाइनर, शाइनर नहीं है
पाउडर है, सॉरी ब्लश ऑन ये रह गया, ये है इंग्लैंड का स्मॉल ब्लश ऑन रॉयल ब्लश। और उसके बाद शाइनर में ही ये दो पाउडर फॉर्म के शाइनर आ जाते हैं, सिल्वर और गोल्डन। उसके बाद इसी के साथ शाइनर में ही आप अपने मुंह पे शाइन देने के लिए ये वाले, ये आईज को हाईलाइट करने के लिए, आईज को हाईलाइट करने के लिए शेड्स हैं। ओके तो सॉरी ब्लश ऑन में फिर से रह गया, ये देखें ये ब्लश ऑन, इसमें सारे ब्राउन शेड आते हैं। तो हाले अब आप नेल पॉलिश करने की तरफ चले, अब आपने मुझे सेशन नहीं करना, मैं अपना बदला पूरा करके रोऊंगी। ओके चलिए आप नेल पॉलिश, ओह माय गॉड, ये जो पीछे पीछे जो वो Yes, of course. Please, जल्दी करो. This one is for liner. जैसे ये ऐसे liner होते हैं. ये है this one. I don't. This one is shiner. This one हमारे लिए टेट वाला. This one is lipstick. And this one two teeth. This one two base. This one two anything. This one two makeup जैसे मैंने किया था. This one two teeth. And this one two mama. समझ नहीं आ रहा. This one. ओके आपको मैं थकती हूँ, मैं जा सकती हूँ। ओके प्लीज गो। तो जितने भी ब्रशेस रह गए हैं तो मैं पूरा कर देती हूँ ब्रशेस को। ये है ब्लीच करने के लिए, और ये है स्ट्रिकिंग करने के लिए जिसमें मैं स्ट्रिकिंग करती हैं। ये हमारा ब्लश ऑन ब्रश है, ये है पीच ब्लश ऑन ब्रश के लिए, ये पिंक ब्लश ऑन के लिए, ये हाईलाइटर के लिए, और आई डोंट नो नहीं किसके लिए। तो अब मैं किसकी तरफ चलूँ, तो आता है मेरा लिप ग्लॉस लिपस्टिक्स एंड टिंट्स कॉर्नर। सबसे पहले लिप ग्लॉस आते हैं, ये सारे हुदा ब्यूटी के लिप ग्लॉस हैं। तो इनमें से मेरा फेवरेट है ये पर्पल, मैं आपको लगा के चेक करवाती हूँ कितना अच्छा है, और पर्पल मामा को भी बहुत पसंद है। ये पर्पल लिप ग्लॉस है मेरा फेवरेट। और उसके बाद ये है बेबी पिंक, ये देखें कितना प्यारा है, ये हम लगा सकते हैं। तो इसमें रेड भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये सारे लिप ग्लॉस बहुत अच्छे हैं, ये सारे हुदा ब्यूटी के हैं जो एक सेट में थे। उसके बाद ये स्मॉल लिप ग्लॉस आ जाती हैं, इसमें भी बहुत सारे शेड्स हैं, ये फोर शेड्स हमने रखे हैं। उसके बाद ये जो थ्री हैं ये आप अपनी आईज पे लगा सकती हैं, ग्लिटर फॉर्म में ही है, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि कैसा है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है। इस तरह से अपनी आईज पे आईज को ग्लो करने के लिए लगा सकते हैं। इसमें पिंक कलर मुझे सबसे प्यारा लगता है। उसके बाद ये स्क्वायर जो है कैप वाले, ये हैं स्मॉल पर्पल ऑरेंज और पिंक, इसमें मुझे ऑरेंज पसंद है फिर से। उसके बाद माय फेवरेट लिप ग्लॉस का ब्रांड डर्माकोल, कि मुझे लिप ग्लॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर अभी हमने इधर थ्री रखे हैं, ये देखें ये तीनों डर्माकोल के हैं, इसमें मुझे पसंद है ये रेड वाला। और ये जो फोर लिप ग्लॉस हैं हुदा ब्यूटी के, ये हमने सेपरेटली यानी उनसे सेपरेटली लिए थे, इसमें मुझे ऑरेंज वाला पसंद है। मैं लगा के दिखाती हूँ, मैं क्यों आपको लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे बस पसंद है मुझे, ये देखें ये हुदा ब्यूटी का लिप ग्लॉस है, प्यारा है ना, मेरा दिल कर रहा अभी लगवा लूँ इसको। बच्चे मेकअप नहीं करते मगर दिल तो करता ना कभी कभी। तो ये है टेंट्स, थ्री डिफरेंट टेंट्स हैं जो इमाने बिलाल बहुत यूज़ करती हैं। तो दिस मैरून टेंट इज़ फ्रॉम बैनी टेंट, एंड दिस ऑरेंज टेंट इज़ फ्रॉम चाचा टेंट, एंड दिस पिंक टेंट इज़ फ्रॉम पॉजी टेंट। सबसे पहले हम पॉजी टेंट लाए थे। उसके बाद आ जाती है लिपस्टिक्स कॉर्नर। तो ये सारी जो लिपस्टिक्स हैं ये वाली, ये मैडोरा की हैं, जेनी की हैं, सॉरी जेनी की है, इतनी सारी वीडियोस बना के ना मुझे सब भूल गया, ये देखें जेनी के लिप, जेनी की, ठीक है। और ये जो तीन शेड्स हैं ये किसकी तरफ से हैं,
तो ये तीन शेड्स हैं इस लिपस्टिक्स में, रेड, पिंक एंड मैरून, जो मैरून सबसे ज़्यादा मामा लगाता है, सॉरी। तो इनमें है ये रेड और मैरून, ये किसके लिपस्टिक हैं, जिसके लिपस्टिक हैं। और ये क्या कर रहा है, ओह अमेलिया की लिपस्टिक्स भी होती हैं मुझे आज पता चला है। इसमें देखिए कितना प्यारा शेड है, फिर से मुझे ऑरेंज शेड पसंद है, और ये भी ऑरेंज है, और मेरे ख्याल से ये भी ये पर्पल के शेड में आता है। उसके बाद ये है हुबा हबा जो भी है, मेरी बहन तुम जरा स्पीड से करो ना, ये देखिए पर्पल और मेरे ख्याल से पिंक है, नहीं रेड मैरून। ओके तो ये है मैट लेवल मैट वेलवेट की लिपस्टिक्स, इसमें मैरून और पिंक शेड आता है। उसके बाद ये मेडोरा की लिपस्टिक्स हैं, इसमें ये तीन शेड्स हैं जो मुझे ये पसंद है। तो ये जो फोर लिपस्टिक्स हैं ये हम तीनों बहनों की हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट शेड्स की हैं। अच्छा मेरे साथ धोखा हो गया है, मैं अभी कुछ दिन पहले ये लिपस्टिक लाई थी, बाहर से मुझे बिल्कुल मैट शेड की मुझे लिपस्टिक चाहिए थी, बाहर से बिल्कुल मैट है, मगर अंदर से जब मैं इसको खोलती हूँ तो ये इस तरह की है, मतलब ये ऐसी लग रही है। भला ये मिलते हैं दोनों शेड्स, आजकल के ज़माने में बहुत धोखा हो गया। ओके तो ये है मैट लिपस्टिक्स यानी मैट लिप्स फ्रॉम स्टेज। एक और कैमरा लग गया, तो देखें ये मैं आपको ज़रूर लगा के दिखाऊंगी क्योंकि इनके कलर बहुत प्यारे हैं। और ये है डार्क पिंक, कौन सा प्यारा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ऑरेंज मेकअप और पिंक मेकअप से भी आपने ज़रूर बताना है। तो ये दो लिप ग्लॉस हैं लॉन्ग फ्रॉम टाइम, ओके तो इसमें ऑरेंज और रेड आते हैं, और ये सारे लिप ग्लॉस हैं, इनमें से मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है एमिली और ये वाला, बाकी ऐसे ही ऑरेंज रेड और ये दिस इज फ्रॉम काइली, काइली बहुत बड़ा ब्रांड है। तो बाद में अब आ जाती है मस्कारा, तो हाँ लेंस आते हैं, लेंस की तरफ आते हैं। ये देखिए लेंस थ्री टाइप्स के हैं, ये ब्लू वो बंद हो जा, और उसके बाद मेरे ख्याल से ये हैं ग्रे, ये मुझे सबसे प्यारे लगते हैं ग्रे और ब्लू। उसके बाद आते हैं ये ग्रीन लेंस, ग्रीन बिल्कुल लगते हैं, मेरी बैग बोर्ड में पेन होना शुरू हो गया, मैं अपने काम के लिए वीडियो बना रही हूं। ओके व्हाटएवर, तो ये है फोर मस्कारास गाइस, ये आते हैं हेलो दिस इज माय वीडियो। तो इसमें दो मस्कारास हैं और ये मस्कारास, इसमें लाइनर भी है, ये टू इन वन है, इसमें मस्कारा भी है और लाइनर भी है। हाले नूर प्लीज़ आप अपनी वीडियो अभी मत बनाओ, तो हाँ ओके ओके ओके। तो मेरी मामा जो है वो मेरी मामा जो है वो सुरमे की जगह ये ब्लैक पेंसिल यूज़ करती है, इसमें वाइट पेंसिल भी आ जाती है जो मैंने लगाई हुई है, जो मुझे आजकल बहुत पसंद आने लग गई है, और जब भी मैं लगा के बाहर आती मामा मुझे ऐसे देखने लग जाती है। तुम अंधी लग रही होती हो हमें, व्हाट इज़ अंधी। ओके तो ये है सारे लाइनर्स, इसमें हमारे पास है ये वाला लाइनर, ये चीता प्रिंट वाला लाइनर और ये ब्लू लाइनर। अच्छा मुझे लगता था कि बाहर से ना अंदर से फुल है, मगर अंदर से आप देखें जरा ये ऐसे के, बाकी सारे पेंसिल लाइनर इसलिए इतने ज़्यादा हैं, ये पेंसिल लाइनर इसलिए इतने ज़्यादा है क्योंकि मामा एक लाती हैं, इमाने एक लगा देती, मामा एक लाती हैं फिर इमाने एक यूज़ करती, फिर मामा एक लाती फिर इमाने यूज़ करती, फिर मामा लाती जी। उसके बाद आती हैं ये आई लैशेज, देखें ग्लू आती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम मेकअप, मैंने मम्मी को कहा नेल कटर सेट, मुझे यही पता कि नेल कटर सेट है, मगर मम्मा कहती ये मेकअप में ही आता है क्योंकि ये जो सेट है ये मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए यूज़ होता है, इसमें हमारे हाथ और पाँव की ब्यूटी भी मेकअप में ज़रूरी होती है, तो इसमें सारे नेल कटर वगैरह जो भी आ जाता है। तो ये इसको कौन नहीं जानता, ये है 24K गोल्ड जेन 99.9% गोल्ड। तो इसमें एक बॉटल आती है जिसमें सिरम होता है, जो आप अपने फेस पे लगाएंगे आपका फेस हो जाएगा ग्लो कि फेस गोल्ड जैसा, नहीं गोल्ड जैसा नहीं होगा, ऐसा धोखा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हमने ट्राई किया है, ये सब फ्रॉड है। ओके ओके ओके, मगर ये तो काम किया ना, दिस इज फ्रॉम डॉक्टर रशील विटामिन सी, देश से माने होते हैं रशील और वैसे होता है रैशल, हमारा आदमी कहती है जरा डॉक्टर साहब को लेके आओ, मैंने लगा है तो दिस इज मैं बोलेंगी डॉक्टर रशील, सो जो भी आप देख सकते हैं हम डॉक्टर रशील बोल देते हैं। अच्छा एंड पे किस्सा सुनाऊंगी मैं आपको, तो दिस इज फ्रॉम डॉक्टर रशील विटामिन सी, ये क्रीम होती है ऑरेंज, इसका होता है ऑरेंज में होता है विटामिन सी, तो ये है ऑरेंज वाली फ्लेवर में, ये फेस क्रीम है जिससे आपका फेस क्या करेगा, ग्लो ब्राइट करेगा, और ये एंटी एजिंग है। तो हाँ सारी आंटियों को लगा दी चाहिए,
तो ये थी हमारी आज की मेकअप की मेकअप कलेक्शन, अभी हाफ है, मेरी तो वैसे बैकबोन में पेन शुरू हो गई है। अच्छा तो किस्सा ये था, मैंने मम्मा को कहा कि आप जो है शेजवान राइस बनाएं जिसमें राइस होते हैं वेजिटेबल और उसमें शेजवान सॉस डालते हैं। मम्मा कहती शेजान क्या कहते हैं, मैंने नहीं नहीं शेजान को बनाऊं मैं, जरा शेजान को कॉल तो करना ना, हम इतना हंसे इस पे, हमने शेजवान राइस की इतनी मजाक उड़ा दिया। बस मुझे रशील और रैशल से याद आ गया कि शेजवान और रिजवान थे। नहीं रशील मेरा देसी लैंग्वेज में ब्राउन पीपल के लिए है रशील, और बाकी जो होते हैं उनके लिए है रैशल। ओ मुझे मैसेज देना है। अच्छा तो मैं कहना चाहती हूँ कि ब्यूटी जो है मेकअप से नहीं निकलती, मेकअप से नहीं होती, इंसान के अंदर ही ब्यूटी होती है। तो मतलब औरतों को इतना ज़्यादा मेकअप नहीं रखना चाहिए, उतना रखना चाहिए जितनी उनकी ज़रूरत होती है, मगर इतने मेकअप से भी भरती नहीं। तो क्या मैं कहने लगी थी, मुझे भुला दिया आपने। हाँ तो मैं कहना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा मेकअप नहीं रखना चाहिए, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही रखना चाहिए, मगर औरतों को तो अपनी ब्यूटी को मोर इन्हेंस करने के लिए मेकअप की ज़रूरत तो पड़ती ही है। आपने भी एक औरत बनना आपको पड़ेगी इंशाल्लाह। नहीं मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती। तो बहुत ज़्यादा मजाक हंसी मजाक हो गया, वीडियो को एंड करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर आपको शूज़ कलेक्शन चाहिए तो कमेंट में बताएं, और ऑरेंज मेकअप पसंद है कि पिंक मेकअप, ये बताएं। तीन दफा बोल चुकी है मेरी बहन। ओके तो अब मैं थोड़ा सा होस्ट की तरह बोलूँगी। ओके तो ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे दे दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सो गाइस हम इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं, इतने मेहनत करते हैं, आइडिया सोचते हैं। अभी मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया है, वो हमने इंशाल्लाह पेपर्स के बाद बना लेना है। हम आज मेरा फर्स्ट पेपर था। तो फ्री की लेती है, मुफ्त की शाबाश। आप क्या कहना चाहती हो उसको? मेरा आज पहला पेपर था और बहुत अच्छा हुआ। आप मेरे कल सारे पेपर्स की दुआ कीजिएगा। करने के मारे जो टेस्ट हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको जी आप मतलब आप एक्चुअली मैसेज तो भूल ही गए कि कमेंट्स में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कमेंट्स में आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये